नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूजी ढोकला की रेसिपी बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह जालीदार ढोकला बनाने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूजी ढोकला बनाने के लिए एक यहाँ पर पैन बर्तन लिया है मैंने, उसमें 2 कटोरी सूजी डालें, फिर 1 कटोरी बेसन, फिर 1 कटोरी दही डाल देंगे और जितनी ज़रूरत हो उतनी पानी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। हमें कुछ इस तरह से बैटर तैयार कर लेना है ढोकले के लिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, एक छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब ये कांच का बाउल लिया है मैंने, ये माइक्रोवेव सेफ है। इसमें थोड़ा सा तेल लगा लिया है। अब इसमें ढोकले का बैटर डाल देंगे। अब हमने माइक्रोवेव ऑन कर दिया है और ये माइक्रोवेव का बटन दबाएंगे और इसे 600 वाट पे सेट कर देंगे और 5 मिनट के लिए सेट कर देंगे इसे। अब हम ढोकले की प्लेट को माइक्रोवेव के अंदर रख देंगे और स्टार्ट बटन दबा देंगे। अगर 5 मिनट में ढोकला नहीं पकता है तो आप 2-3 मिनट के लिए और इसे पका सकते हैं। मुझे टोटल 8 मिनट लगे हैं ये ढोकले को पकाने के लिए। इसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे फिर से। तो इस तरह हाथ से पहले चेक करें, फिर ढोकले को माइक्रोवेव से निकाल लेंगे और इस तरह चाकू से चेक करेंगे कि ढोकला अंदर से पका है कि नहीं। अगर चाकू क्लीन निकलता है तो ढोकला अंदर से पक चुका है। तो ये ढोकला तैयार है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ढोकला बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसके लिए तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए एक कढ़ाई लें, उसे गैस पर चढ़ाएं और 2 चम्मच तेल डालें, 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और 1 छोटी चम्मच सरसों दाना डालेंगे। 4 हरी मिर्च ली है, उसे बीच से कट कर लिया है और थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं, ये भी हमें तेल में डाल देंगे और इसे आधे मिनट तक इस तरह फ्राई कर लेंगे चम्मच से चलाते हुए। फिर इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच शक्कर डालेंगे, 1 चुटकी नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे, 1 चुटकी हल्दी डालेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। मैंने ढोकले में पहले हल्दी नहीं डाली थी, इसलिए ये तड़के में हल्दी डाल रही हूँ। अब हम इस तड़के को ढोकले के ऊपर डाल देंगे।